अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे आलू प्याज के भजिए। उसके लिए हमें चाहिए आलू। आलू को हमने इस तरह कट कर लिया है खड़ा खड़ा, और हमने प्याज ली है, प्याज को भी खड़ी खड़ी बारीक कट कर लिए। हमने दो प्याज ली है बड़ी बड़ी, और आलू तीन लिए हैं, उसे इस तरह खड़ी खड़ी कट कर लिए आलू को भी, और प्याज को भी बारीक खड़ी खड़ी कट कर लिए। और हमने हरे मसाले में लिया है दो हरी मिर्च, उसे चॉप कर लिया है, थोड़ी सी कोथमीर और करिया पात थोड़ा सा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आलू प्याज के भजिए बनाने के लिए। अब हम लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे आलू जो हमने खड़ा खड़ा कट कर लिया है, फिर डालेंगे प्याज जो हमने बारीक इस तरीके से कट कर ली है, ये देखिए। अब हम डालेंगे हरा मसाला, कोथमीर, करिया पात और हरी मिर्च। देखिए, अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हम डालेंगे हल्दी हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुकिंग सोडा। हम डालेंगे इसमें बेसन 3 टेबलस्पून, देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, देखिए इसे इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब हम डालेंगे पानी थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर ले, थोड़ा पानी डालें और अच्छे से मिक्स करें। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से मिक्स करें। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे आलू प्याज के भजिए। देखिए इस तरीके से डालें तेल में, देखिए इस तरीके से डालें। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आलू प्याज के भजिए डिश आउट हो चुके हैं, ये देखिए गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही मजेदार है, एक बार जरूर ट्राई करें आप। आप इसे स्नैक्स में बना सकते हैं और इफ्तार में बना सकते हैं, इफ्तार के लिए बहुत ही मजेदार है, एक बार आप जरूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।